लालू के प्लान बी ने मचा दिया भूचाल। नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका भारत लाइव में। भारत लाइव के उस शो में आप जुड़ चुके हैं जिसका नाम रातों रात है। आज हम आपको बताएंगे कि लालू का प्लान बी क्या है, जिस प्लान बी ने महागठबंधन में भूचाल मचा के रख दिया है। कहीं ना कहीं वो प्लान बी आपको बाबा ही बता सकते हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा अच्छा विश्लेषण और कोई नहीं कर सकता है। तो अब हम जानेंगे बाबा से कि प्लान बी क्या है, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी ओवरव्यू देना पसंद करूंगी। जैसा कि हमारे चैनल ने आपको दिखाया ही होगा कि हमारे आरएलएसपी के अभिषेक जा जो कि प्रवक्ता थे, उन्होंने उस पोस्ट से रिजाइन कर दिया। कहीं ना कहीं उसके पहले एक और न्यूज़ था कि रघुवंश प्रसाद जो कि लालू प्रसाद यादव के बहुत ही करीबी माने जाते थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अब हम जानेंगे बाबा से कि आखिर प्लान बी क्या था लालू प्रसाद यादव का। और बताइए आखिर प्लान बी क्या था। प्रिया, अगर कड़ियों को जोड़ा जाए जी, तो एक तरफ आप कह सकते हैं कि लालू के प्लान बी की एक कड़ियों में ये भी एक कड़ी था जी, बिल्कुल। लेकिन हम इससे आगे बियॉन्ड बात करेंगे। हम बात करेंगे कि लालू प्रसाद आखिर बिहार की राजनीति में इतना ज्यादा चर्चा में क्यों रहते हैं जी, बिल्कुल। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि लालू प्रसाद हर किसी के चाल से एक डेग आगे की सोचते हैं जी, बिल्कुल। बिहार की राजनीति, बिहार के लोगों को, बिहार की जलवायु को, बिहार के मौसम को, मिजाज को वो बेहद बेहतर ढंग से समझते हैं। और उनके यहाँ जिस तरह से आपको जानकारी होगी, लगातार जदयू की तरफ से ये आरोप भी उन पर लग रहा है कि होटवार जेल में वो दरबार लगा रहे हैं, तो फलाना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लोगों का जमावड़ा, लोगों का आना जाना उनके यहाँ जारी है। एक पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस नाते भी लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। और महागठबंधन की जब भी बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद उसमें सबसे ज्यादा कद्दावर नेता है जी। बिना उनके एक पत्ता भी महागठबंधन में नहीं हिल सकता है जी, बिल्कुल। अब इन सब बातों को लेकर के लालू प्रसाद पिछली जो हार हुई है लोकसभा में, उस लोकसभा की हार के चलते बहुत कुछ सोचने और बहुत सारी नीतियों को बदलने के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गलतियों से सीख रहे हैं वो, बिल्कुल वही सब स्थितियां हैं। और कहीं ना कहीं एक बात तो तय माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव चाहे जितना भी राजनीति कर लें, रणनीति बना लें, सब कुछ कर लें, लेकिन अभी भी राजनीति में वो कच्चे हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं जी, बिल्कुल। जब जब एक बात ये भी कहा जा रहा है, चीज़ों को राजनीतिक लोग अपने हिसाब से रख देते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी से अगर कोई बाहर जा रहा है या उनके गठबंधन से कोई बाहर जा रहा है तो इसमें तेजस्वी यादव की रणनीति को नहीं कह सकते हैं आप जी, उनकी नाकामियों को कह सकते हैं जी। कारण कि हर किसी को एक्सेप्ट करने का दो तरीका होता है, उसकी अच्छाई और बुराई दोनों के साथ आप एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ये दो ही बातें हो सकती हैं। जिस समय जीतन राम मांझी आए थे उस समय जीतन राम मांझी वैसे ही थे जैसे गए हैं जी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। वो एनडीए में रहते हुए एनडीए की नुक्ताचीनी करते थे, महागठबंधन में आए तो इतने सालों तक करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी महागठबंधन के लोगों ने उनको तवज्जो नहीं दिया। प्रयास बहुत हुआ, आपको याद होगा कि महागठबंधन में तीन दल मिल करके एक अलग तरह का तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो भी तैयारियां ध्वस्त हो गई। कारण कि जगह पर कहीं ना कहीं लालू प्रसाद बैठे हुए हैं, और लालू प्रसाद बैठे हुए हैं तो लालू प्रसाद इन सब बातों से बिल्कुल अलग हैं, अपने आप को वो अलग तरह से तैयार रखते हैं और बिहार की राजनीति के एक एक डेग को वो फूक फूक करके रखते हैं। एक गलती उनसे हो गई थी 2019 में, अपने बच्चों को राजनीति में स्थापित करने के लिए लालू प्रसाद ने जो प्लान बनाया, हालांकि प्लान उनका बहुत बढ़िया था, उनका प्लान था कि दोनों बच्चों को और पूरे परिवार को या पार्टी को भी एक लंबे अंतराल के बाद, 10 सालों 12 सालों के अंतराल के बाद पार्टी को कहीं ना कहीं स्थापित कर दें जी, बिल्कुल। और उनके प्लान में कहीं कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनसे ज़्यादा प्लान में नीतीश कुमार तेज निकले। उन्हें जैसे ही लगा कि लालू प्रसाद अभी इस रास्ते से सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका डेग जो है सत्ता की तरफ बढ़ रहा है, तो उन्होंने बीच रास्ते में ही काट दिया रास्ता और अपने रास्ते अलग कर लिए। भले ही वो जिस तरह का कहा जाता है कि एनडीए में जाने के बाद दोबारा नीतीश कुमार सर्फोकेशन महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं, पार्टी को का उनका कोई अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, लेकिन इन सब के बाद वो लालू के से आज़ाद हो गए जी। लालू प्रसाद के नीचे रह करके नीतीश कुमार की राजनीति का वो औरा नजर नहीं आता जो आज वो एनडीए में रह करके पूरी तरह से एनडीए को डोमिनेट कर रहे हैं जी। अब ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद ने जो रास्ता बनाया, जो प्लान बनाया है, वो प्लान कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को उस सुप्रीम कुर्सी तक बैठाने की है जी। मनसा तो इसके अलावा और दूसरी कुछ नहीं हो सकती है जी, ये तो क्लियर कट है, सब कुछ समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव मंजिल तो बस कुर्सी ही है।
तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी दिलवाने के अलावे अभी कोई मकसद नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है और ना कोई दूसरा एजेंडा है। इस एजेंडे पर काम करते हुए जिस तरह से रोज नई नई रणनीति बन रही है, इस रणनीति का एक हिस्सा है कि आरजेडी चाह रहा है कि जो 2015 में गलतियां हुई वो ना दोहराई जाए। सबसे पहले जब गलतियां, तो गलतियां क्या क्या थी, तो गलतियां ये थी कि नीतीश कुमार पर बहुत ज्यादा भरोसा करना। जी बिल्कुल, ये अब तय माना जा रहा था। नीतीश कुमार ने जिस तरह की बातें की थी कि वो जीते जी कभी भी दोबारा लौट करके भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, और ये बातें कहीं ना कहीं एक राजनीतिक गलती मान लीजिए लालू प्रसाद से हो गई और उन्होंने भरोसा कर लिया, जिस भरोसे का कहीं ना कहीं टूटना तय माना जा रहा था और वैसा ही हुआ। कहा यह जाने लगा कि पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और वो वापस चले गए, और ये जो है हमेशा लालू प्रसाद और उनकी पार्टी के लोग उन पर उंगली उठाते रहते हैं कि आप यहाँ पर फेल कर गए थे। अब इस बार 2020 में वो सारी कमियों को दूर कर देना चाहते हैं। उनका सीधा सा मतलब है कि 243 जो विधानसभा की सीटें हैं उन सीटों में से अधिक सीट अपने पास रखें, जिससे कि साथियों पर आश्रय नहीं रहे। जी। आगे आप समझ लीजिए कि 243 सीटों पर लगातार ये बातें आप सुन रहे होंगे, हर माध्यम से, लोगों से बात करने के माध्यम से, हमारे सर्वे में, या फिर आरजेडी के लोग जो कहते हैं भीतर खाने में या बाहर आकर भी कह रहे हैं कि 150 से कम सीट पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको पता है कि 243 का आंकड़ा जो है उसको सत्ता तक पहुंचाने के लिए 122 सीटों की जरूरत होगी। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि इस तरह से आगे बढ़ें, या लालू प्रसाद की रणनीति इस तरह की है कि 122 के आंकड़े को कहीं ना कहीं वो छुए। 2015 में 101 सीटें आई थी, जिसमें से नीतीश कुमार से ज्यादा सीटें आरजेडी को आई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं जनाधार जो था लालू प्रसाद का वो बरकरार था, उनका जलवा बरकरार था, और उस जलवा को के कारण ही कहा जाता है कि उन्होंने एनडीए को मात दे दिया, नरेंद्र मोदी के इतने बड़े नाम को मात दे दिया। अब उनके इसी जो रणनीति है, प्लान बी जो है, उस प्लान बी से जहां एक तरफ एनडीए में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं महागठबंधन के भी साथी भले चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन उनके भीतर ही भीतर बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं, मंथन चल रहा है जो कभी भी विस्फोट हो सकता है। जी। इसी विस्फोट का कारण था कि जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं महागठबंधन छोड़कर के बाहर चले गए। उसी विस्फोट का कहीं कारण हम मान सकते हैं कि अभिषेक झा का भी जाना। बिल्कुल। अब इसके बाद आप देखिए दूसरा फेज, तेजस्वी यादव के अनुपस्थिति में जब जब जरूरत हुई नेता प्रतिपक्ष की, तेजस्वी यादव गायब रहे। जी। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। कोरोना के संकट में भी वो दिल्ली में थे तो लंबे समय तक दिल्ली में रहे, उससे पहले जब सदन चल रहा था वहां से भी गायब हुए, चमकी बुखार था वहां से भी गायब हुए, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। और इन सारे स्थितियों में कहीं ना कहीं आगे बढ़ करके आरएलएसपी ने लीड किया, कांग्रेस के मदन मोहन झा ने लीड किया, और उन्होंने विपक्ष होने का एहसास कराया, जबकि विपक्ष के नेता कौन थे, तो तेजस्वी यादव। अब तेजस्वी यादव की भी प्रतिष्ठा बचाई और अपने महागठबंधन की भी प्रतिष्ठा बचाई। लेकिन इधर आपने देखा होगा कि बहुत समय से जैसे जैसे उनका कद बढ़ रहा था वैसे वैसे बेचैनी जो है तेजस्वी यादव उनके खेमे में बढ़ रही थी, लालू प्रसाद में बढ़ रही थी, और यही कारण था कि तीनों दल जब आपस में बैठ करके कोई मंत्रणा करते थे, जब कांग्रेस पर दबाव बनाते थे, तो ये बातें लालू प्रसाद को नागवार गुजरती थी, और उन्होंने इसी का रास्ता अपनाया कि वो किसी से कोई बात करके या फिर सीट समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बन पाई। कोऑर्डिनेशन कमेटी तो एनडीए में भी नहीं बनी है, लेकिन एनडीए में चीजें जो है सब कोई अपने अपने हिस्से से समझ रहा है, लेकिन यहां वो भी बात नहीं है, कम्युनिकेशन का अभाव हो गया है, एक दूसरे से बात नहीं हो रही है। और यही वो रणनीति थी जो लालू प्रसाद चाहते थे कि जो जितना अधिक स्वतः चला जाए तो उनके ऊपर बदनामी का दाग भी नहीं लगेगा और वहीं जाकर के वो अपने रणनीति में सफल भी हो जाएंगे, जिसका नतीजा आपने देखा होगा कि आरएलएसपी बहुत लंबे समय से चुप है, महीनों से आपने कोई भी बात करते हुए उपेंद्र कुशवाहा को नहीं देखा होगा, यहां तक कि सेकंड इन कमांड माधव आनंद जो थे उनको भी आपने देखा होगा कि पिछले 15 दिनों से वो किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दे रहे हैं। लास्ट में उसी तरह का सर्फोकेशन फील करते करते अभिषेक झा ने पार्टी से ही अपने आप को अलग कर लिया। उनका कहना सीधे तौर पर था, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम एक अनपढ़ व्यक्ति के सामने, पढ़े लिखे लोग और एक प्रोफेसर, केंद्रीय मंत्री रहते हुए ऐसे व्यक्ति बार बार अगर अनुनय विनय करते हैं तो मुझे ऐसे सर्फोकेशन में नहीं जीना है, मुझे राजनीति करनी है, आगे की राजनीति करनी है, और उस राजनीति के लिए ये मुफीद समय या मुफीद गठबंधन नहीं है, ये कहते हुए उन्होंने अपने आप को अलग किया। इसका मतलब था कि धीरे धीरे वो सारे लोग जो हैं
जिनको समझ रहे थे लालू प्रसाद कि वो प्लान बी के तहत अपने निकल जाएंगे, उनमें से एक नाम ये है। कहा तो ये भी जा रहा है, कई सूत्रों से जानकारी मिली है और लगातार ये खबरें चल रही हैं कि मुकेश सहनी भी अपने लिए कोई सुरक्षित जगह खोज रहे हैं। तैयारियां तो मुकेश सहनी की बहुत है। हमारे ही स्टूडियो में आकर के संपादक नमन मिश्रा जी से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने चैलेंज किया था कि वो हर तरह से तैयार हैं कि वो महागठबंधन को मजबूत रखेंगे और एनडीए को हर हाल में हराएंगे। लेकिन जो स्थिति नजर आ रही है, प्लान बी जो नजर आ रहा है, उसमें सीधा नजर आ रहा है कि लालू प्रसाद उस रास्ते पर चल रहे हैं कि दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक के पीता है। अब उन्हें यही पता नहीं चल रहा है कि कौन अपना है कौन पराया है, और वो यही सोच करके चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीटें उनके पास हों, या फिर वो अगला एनडीए से कौन निकल करके बाहर आता है जिसके साथ वो आगे का रास्ता अपनाए। कहीं ना कहीं एक श्याम रजक जो आए थे वापस अपने घर, तो उनका भी एक प्लान बी का भी हिस्सा हो सकता है वो। श्याम रजक की तो मजबूरियां थी, श्याम रजक का आना और श्याम रजक के आने के बाद भी बहुत तरह की बातें हुई। आपने देखा होगा कि रघुवंश प्रसाद की बात आप कर लीजिए, जो एक लंबे समय से, लगभग 3 दशक से ज्यादा समय से लालू प्रसाद के पीछे एकदम मजबूती के साथ खड़े रहे। अपने पत्र में उन्होंने जिक्र किया था कि वो अब वो जो है अलग हो रहे हैं। हालांकि उसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अस्वस्थ है, बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब है, और वो डॉक्टरों ने तो उनके परिजनों को बुला करके, जैसा कि खबरों में हमने चलाया था, अब उनकी नजदीकियां जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ करके जदयू की तरफ आ गई हैं, नीतीश कुमार के बहुत करीब आ गए हैं। और इसके पीछे बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि उनके परिजन जो हैं उनके साथ सब बातें हो गई हैं, रघुवंश प्रसाद भले ही कहीं जाए चाहे नहीं जाए उनके परिवार के सदस्य के साथ डील हो गई है, रघुवंश प्रसाद का नाम अब आरजेडी के साथ नहीं जुड़ा रहेगा, वो अलग हो जाएंगे। विधिवत रूप से रघुवंश प्रसाद क्या करेंगे, अभी जो पहले तो स्वस्थ हो लें उसके बाद ही कुछ करेंगे। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि इससे एक झटका जरूर लगा है, और ये झटका हो सकता है कि जो लंबे समय से रघुवंश प्रसाद और जगतानंद सिंह के साथ साथ, जिस तरह से आपने देखा होगा कि तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, लगातार इन सब को लेकर के, रघुवंश प्रसाद को लेकर के जिस तरह के भीतर भीतर माहौल चल रहा था, ये भी प्लान बी का हिस्सा है। कि एक कहावत बड़ी बढ़िया है बिहार में कही जाती है कि रोने को थे तब तक आंखें खुदा गया, वही वाली हाल है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद वो रास्ता अपना रहे हैं कि उनके जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके पास क्षमता नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, वो निकल करके बाहर चले जाएं। और धीरे धीरे स्थिति वही हो रही है। आपने देखा होगा कि इधर हाल फिलहाल में किस तरह से कांग्रेस के सबसे बड़े पुराने नेता सदानंद सिंह ने भी कहा है कि फैसला जितना जल्दी हो जाए, हालांकि फैसला होने की स्थितियां अभी तक नजर नहीं आ रही है। हमने भी जब जगतानंद सिंह से बात किया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, बहुत जल्द हम फैसला करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये बातें उन्होंने स्पष्ट तौर पे नहीं कही। कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है उस गठबंधन में। बिल्कुल यही कारण है कि लगातार आपने देखा होगा कि जितना ज्यादा देर होता जा रहा है उतना ज्यादा अंदर अंदर घुटन बढ़ता जा रहा है, और महागठबंधन के साथी जिस तरह से अपने पार्टी को भी नहीं बचा पा रहे हैं, इसका मतलब है कि धीरे धीरे करके वो भी अगर महागठबंधन के हिस्सा से बाहर हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन एक चीज निश्चित लग रहा है कि आखिर वो कौन सा शक्ति है, कौन सा ताकत है जो आरजेडी को ये सब करने के लिए मजबूर कर रहा है और मजबूती प्रदान कर रहा है, ये शक्ति पहचानना होगा। आपको बता दें कि जहां एक तरफ वो अपने साथी दलों को लगातार अपने सर पर रखना चाहते हैं, वहीं एनडीए में भी इस बात की चिंता सता रही है कि आखिर क्या है, वो है जनता। जनता में लगातार ये बातें समझ में आ रही है, आरजेडी को समझ में आ रही है, आरजेडी के थिंक टैंक को समझ में आ रही है, और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को ये बात समझ में आ रही है कि नीतीश कुमार पर एंटी इनकम्बेंसी लागू होगी, कोरोना काल में जो लोग आए हैं वगैरह वगैरह जो बातें हैं, लेकिन इसके पीछे का जो तह की बातें हैं वो हमने भी सर्वे किया है। हमारी टीम अलग अलग क्षेत्रों में गई है जहां कोरोना संकट के दौरान लोग बल्क में आए थे, वहां की क्या स्थिति है, उस पर भी एक एपिसोड बहुत जल्दी हम लाने जा रहे हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में सबको अपने प्लान बी से लालू प्रसाद ने कन्फ्यूज करके रखा है कि कौन महागठबंधन में है कौन नहीं है, ये बातें, और महागठबंधन कितना मजबूत है, उसकी शक्ति कितनी बड़ी है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। कारण कि रोज आप दूसरे तीसरे दिन देख रही हैं कि आरजेडी से और अलग अलग दलों से जेडीयू में लोग जाके ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आरजेडी सीधे तौर पे कह रहा है कि हम तो और लोगों का टिकट भी काट रहे हैं जी। इसका मतलब है कि आरजेडी कोई ना कोई ऐसी बात जो है भीतर खाने में चल रही है, और वो है प्लान बी, जिसको लेकर के लालू प्रसाद पूरे मजबूत हैं, डिटरमाइंड हैं, और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव से पहले ये पत्ता खुलेगा जी।
तो जैसा कि आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि लालू प्रसाद यादव का वो प्लान भी क्या है जिसने महागठबंधन में भूचाल मचा कर रख दिया है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, अपना राय भी वहां रख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।